फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज पलवल में मतदान जारी है। मतदान को लेकर मतदाता सुबह 6 बजे ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए और वोटर लिस्ट के अनुसार अपनी वोट की पर्ची बनवाकर मतदान केंद्र पर लाइनों में लग गए। स्थानीय लोगों ने क्रमवार तरीके से अपना मतदान किया। मतदाता अनिल कुमार ने बताया कि आज लोकतंत्र का महापर्व है, मतदाता अपने मत का प्रयोग करने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देश के विकास को ध्यान में रखते हुए हमें अपना मतदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से मतदान को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चलता रहे। नहीं, वोटिंग का तो लोगों में बहुत उत्साह है और खासकर युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि ये मतदान देश के लिए है। और मैं तो कह रहा हूँ, जिसकी पहली बार वोट बनी है वो बहुत अपना उत्साह दिखा रहा है अपने आप वोटिंग करने में, बड़ा उसको चाव है, मतलब एक खुशी है। बंदोबस्त है वोटिंग के? कोई बंदोबस्त ठीक है, बंदोबस्त प्रशासन की ओर से सारा जो है, स्टाफ वगैरह सब कोऑपरेटिव है और बढ़िया व्यवस्था है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं ने भी भागीदारी की। स्वाति मंगला ने बताया कि 18 वर्ष की आयु होने पर पहली बार उनका वोट बना है, वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि देश के विकास को लेकर हमें मतदान अवश्य करना चाहिए, युवाओं को मतदान करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है, मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ, सो वोट तो बता नहीं सकती हूँ किसको करा है, बिल्कुल नहीं बताना, लेकिन मैं बहुत खुश। क्या सोचकर वोट किया? यही सोचकर वोट करा है कि मेरे एक वोट से शायद देश में कुछ प्रगति आएगी, उन्नति आएगी, और मेरा एक वोट काउंट करता है। तो एवरीबडी शुड वोट, और सबको वोट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमारा एक एक वोट किसी एक ऐसे इंसान को जिता सकता है जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेगा। मैं तो सर इतनी एक्साइटेड थी, 5:45 आ गई यहाँ पर, और यहाँ डेली आती हूँ घूमने, हाँ, वॉक करने, तो फिर मुझे था कि जल्दी से जल्दी आके सबसे पहले वोट करना है और वोट कर दिया। विकास वोट करना जरूरी है, जरूरी है, हमारा अधिकार है ये, और इससे एक एक वोट से आपको कितना कीमती है ये। और मैं तो सबसे कहूंगी कि सब घर से निकलें जो नहीं आते हैं और वोट करें। जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी महेंद्र चौहान ने कहा कि पलवल जिले में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, अभी तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है कि जहां पर मतदान प्रक्रिया में अवरोध हुआ हो। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी के सभी मतदाता व समर्थन शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को संपन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मतदान करें। माहौल बहुत अच्छा है और आप पोलिंग को देख रहे हो, ये मेरा अपना गांव है, मेरी वोट भी यही है, और जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सगे संबंधी साथी दोस्त गण जितने भी हैं, भाईचारा सारा इकट्ठा है और सब एक मत से मत डाल रहे हैं। आपने वोटिंग कर दी? कर दी, हो गई मेरी वोटिंग। नहीं, तनाव की स्थिति तो अभी तो कहीं नहीं देखने हमारी, और हमारे जितने भी वोटर हैं कोई तनाव वाली स्थिति हमारी तरफ से नहीं होगी, बिल्कुल शांति प्रिय सभी मत डालेंगे, और हमने कह भी सबको दिया है एक बिल्कुल मत जो बड़े प्यार भाव से डालना चाहिए।